शहर में लेडीज ज़्यादा हैं, जेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कुछ हिंदुस्तानी अपना लक यहाँ पे आके आजमा सकते हैं। आपको चारों तरफ लेडीज लेडीज नज़र आएंगी। क्योंकि इनके जो मर्द हैं वो बाहर काम करने गए हुए हैं, विदेश में, यूरोप में, तो ये लोग अकेले ही रहते हैं। ऐसे टेंट लगा सकते हो, और टेंट से बढ़िया तो मेरे को स्लीपर बैग लगता है। ये अपने ओढ़ के सो जाओ, तकत अगर मिल जाए, जैसे बाहर तकत, ये जो तकत है ऐसे पे सो जाओ, साइकिल को आधा अंदर आधा बाहर कर लो, और सुबह का काम आपका समुद्र के किनारे हो जाएगा, लोटा ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कहीं पे भी आप टेंट लगा सकते हो। पैसे बचाने तो यार बहुत कुछ करना पड़ता है भाई, जिंदगी बजट की, भाई जिंदगी जीनी है ना, तो फिर बजट तो भाई ऐसे ही पैसे बचाए जाते हैं। खाने के लिए ऐसी आधा रेट डाल लो। ये मेरा कॉफ़ी है, वो किसी होटल वोटल में जब कभी रुको या घर में किसी के रुको, वहाँ से ऐसी चीज़ें बना के रख लो, रास्ते में काम आएगी। और भाई इन देशों में जो चीज़ मिल रही है वो आप खाओगे पियोगे तो ज़्यादा अच्छा है। दाल रोटी ढूंढते रह जाओगे, एक तो बहुत महंगी है, फिर स्वाद वो नहीं मिलेगा, और महंगा चार गुना मिलेगा। राम राम भाइयों, आज बात करेंगे वीज़ा की और रुकने की। जो पीछे मैं रुका हूँ भैया, वो इतना नाइस बंदा था। हम रात को अगर आप साइकिल से जा रहे हो ना, तो आपको रात कहाँ पे हो जाए ये डिसाइड ही नहीं होता, क्योंकि आपको गेस्ट हाउस और ये सब तो रोड पे चल रहा हो मिलेगा नहीं, क्योंकि साइकिल की एक रेंज है कि आप 150 किलोमीटर से ज़्यादा चला नहीं सकते। और ये कंट्रियाँ इतनी खुली खुली हैं कि भाई यहाँ 150 क्या है, 600 किलोमीटर तक कुछ आता ही नहीं है रोड पे। तो उस भाई ने जो रोका है यार, उसने मतलब वो खाना खा रहे थे, उन्होंने अपना आधा खाना छोड़ के हमें दिया। वो कुछ एक जो इनकी मोटी सी रोटी होती है, कुछ ग्रेवी वाली चीज़ थी और बेर टाइप थे, तो ये उन्होंने दे दिया। और जैसे इन्होंने मदद की, ऐसे ही अफगानिस्तान में भाई एक तालिबानी था। तालिबानी हम क्या समझते हैं, जैसे पुलिस होती है ना वैसे ही तालिबानी काम कर रहे हैं। तो ये भाई था, फारूक नाम है इनका। तो भाई हुआ क्या कि हमारे पास जो है ना 100 डॉलर होने चाहिए थे, जबकि हम उधर से आ रहे थे, आपने देखा होगा ताजिकिस्तान में हमारा जो है क्रेडिट कार्ड ATM कुछ काम ही नहीं कर रहा था, तो हमारा कैश सारा ख़त्म हो चुका था, हम निकाल ही नहीं पा रहे थे, और हमें पता भी नहीं था कि अफगानिस्तान में ये वाली प्रॉब्लम आएगी। खैर भाई हमारे पास 100 डॉलर थे नहीं, और मेरे पास बल्कि यूरो पड़े हुए थे, मैं जब यूरोप गया था तो यूरो पड़े हुए थे, वो उन्होंने लिया नहीं। तो उनका सिस्टम क्या है वीज़ा देने का, कि आपको 100 डॉलर जो है बैंक में जमा करने पड़ते हैं, बैंक वाले एक स्लिप बना के देते हैं, फिर आप बॉर्डर पर जाओगे, मैं शेर खान बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, ऐसी एयरपोर्ट पर सिस्टम है, तो वहाँ आप उनको दे दोगे तो आपका वीज़ा मिल जाता है। क्योंकि तालिबानियों का भी कोई भी एम्बेसी काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक शायद दुबई में काम कर रही है और एक ईरान में काम कर रही है, बाकी और कहीं काम नहीं कर रही है। साथ साथ में वीज़ा के बारे में बता दूं, हम लोगों ने उज़्बेक का वीज़ा लगवाया था जो 2000 का पड़ा था। सिर्फ आपको ऑनलाइन वीज़ा लेना होता है, आपकी फ़ोटो स्कैन होएगी, पासपोर्ट की कॉपी स्कैन। तो और कंट्रियों का हम लोग वीज़ा नहीं लेके आए थे। अगर आपकी डेट फिक्स है तो आप इंडिया से वीज़ा लेके जाओ, वो आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे कि मुझे ताजिकिस्तान का वीज़ा जो है दिखा, वो 100 डॉलर का रहा था, लेकिन उन्होंने शायद 160 डॉलर एक आदमी का लिया हमसे, यानी कि दो आदमी के भाई कितने हो गए। तो उनका घपला चल रहा है, वो भाई बिल्कुल हमारे इंडिया जैसे ही है, जितना जितना आप अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हो, क्योंकि बॉर्डर हमारा है, तो भाई वो कुछ ना कुछ तो चीज़ें हमारी जैसी आएंगी उनके पास। मैं बता रहा था कि वीज़ा जो है आप इंडिया से ही लेके जाओ, अगर आपकी डेट फिक्स है, अगर आप साइकिल वगैरह पे नहीं जा रहे हो। साइकिल पे अगर जा रहे हो तो कम से कम यार 2-3 जने होने चाहिए, उससे मन लगा रहता है, अकेले शायद बोर हो जाओगे, और गर्मियों में और बहुत ज़्यादा सर्दियों में बिल्कुल भी ना जाएं। कुछ लोग ऐसे दिखा देते हैं कि टेंट कहीं पे भी लगा दिए और वो ऐसे सो गए हैं। हालांकि मेरे लिए आसान क्या है कि ये जो स्लीपिंग बैग है, ये मैं खोल के इसके अंदर सो जाऊँ वो ज़्यादा आसान है, इसमें मैं सो के दिखाऊँगा वो ज़्यादा आसान है, टेंट लगाना आसान है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे ये लोग तो दिखाते हैं कि भाई एक मतलब आदमी जो है हिच हाइकिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, उसके बाद फिर वो जंगल में जाएगा कई किलोमीटर, उसके बाद सोएगा वो, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप थके हुए हैं और अगर आपको रोड पे जगह मिल रही है तो आप रोड के आसपास सोओगे, या जंगल में 3 किलोमीटर जाओगे फिर 3 किलोमीटर वापस आओगे, वो भी रात के अंधेरे में, ये सब बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ये है, मैं दिखाता हूँ, 2 दिन हो गए, चोट भी लगी थी, मेरा कैमरा भी टूट गया, ये पूरे दोनों ये चल रहे हैं, 2 दिन रेस्ट किए। तो भाई प्रैक्टिकल क्या है, आपके टेंट ऐसी जगह लगाना चाहिए, टेंट भाई जैसे लगाना चाहिए जहाँ पे आप आ जा रहे हो। बाहर निकल के दिखाता हूँ भाई। सबसे बढ़िया है कि आपका जो स्लीपिंग बैग है उसको ऐसे किसी फट्टे पे डाल लें और सो जाएं,
अब समझ लो कि मैंने वो बिछा लिया है अपना और मैं ऐसे लेट गया हूँ। ये आसान है ना कि आप ऐसे किसी जंगल में जाके घुस जाओगे या फिर कहोगे कि ऐसे मैंने कैंपिंग की थी। अगर मैं रात को लगा के दिखाता तो आपकी समझ में नहीं आता क्योंकि अंधेरा हो जाता है। मैंने बिल्कुल उजाले में ये वीडियो बनाई है जिससे कि आपको पता लग जाए। सिर्फ आपका एक चीज़ की डर है कि ये साइकिल ना चोरी हो जाए, तो भाई ये इससे बांध दो। बी प्रैक्टिकल ये है कि भाई आपको कभी भी जंगल में जाने की जरूरत नहीं। जंगल हमारे इंडिया जैसा ही है, जितना भी ये सेंट्रल एशिया है, मतलब सांप वांप सब कुछ है वहाँ पे। तो भाई प्रैक्टिकल ये है कि जहाँ पे भी आपको अंधेरा होने लगे वहाँ पे आप अपना ऐसे टेंट लगा सकते हो। दूसरा ये है कि सेंट्रल एशिया में भाई टेंट की जरूरत नहीं है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वहाँ पे आपको 300-400 रुपये का जो हॉस्टल मिल जाएगा उसमें आपको बिजली पानी सब कुछ मिल रहा है, तो फिर आप क्यों ये सारे काम करोगे, इसलिए करोगे बताओ कि प्रैक्टिकल है। जहाँ वो सूखी मिट्टी दिख रही है उस पर लगा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं भाई प्रैक्टिकल। बाकी जो हमारे इंडियन यूट्यूबर हैं ना, वो ऐसे मतलब एक कह रहा है जापान में मेरे को लूटती है। जापान जो है सबसे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ईमानदार कंट्री है। इसको मैं खोलूँगा और इसके अंदर लेट जाऊँगा, ना गर्मी लगेगी ना ठंड लगेगी, क्योंकि ये बिछाना तो फिर भी पड़ता है। और भाई इसके अंदर ऐसे घुस के लेट जाओ, ये आसान तरीका है सस्ते में रहने का। मैंने सारे जुगाड़ बता दिया आपको। वीज़ा हाँ, सिर्फ ईरान का वीज़ा ऐसा है, लैंड वीज़ा के लिए या अंदर जाने के लिए वीज़ा भाई सब एक जैसे ही हैं। सिर्फ ईरान, अगर आप लैंड बॉर्डर से जा रहे हो तो ईरान का डिफरेंट वीज़ा है लैंड वीज़ा के लिए, क्योंकि वो अफगानिस्तान वालों को ही देता है लैंड वीज़ा, क्योंकि वो उनकी बाउंड्री से टच है तो उनका आना जाना बहुत है, सामान वगैरह आता जाता है। अगर इंडियन को वीज़ा लेना है तो उसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट लिखी जाएगी कि मैं एयरपोर्ट से नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा लैंड बॉर्डर से जा रहा हूँ। तो शायद भाई मैंने आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया होगा। ये जो यूट्यूब वाली है ना, ये रियल लाइफ वाली नहीं है, ये सिर्फ हमारे व्यू के हिसाब से चलता है कि किस पे हमें भी ज़्यादा मिल जाएंगे। एक बोलेगा भाई मेरे को मार दिया, मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, मेरे को एयरपोर्ट पर लूट लिया। कई लोग तो लिखते हैं कि इंडियन गाली देनी शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक सिस्टम है कि जिससे उनके व्यू आ जाएँ। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ भाई, जैसे आप अपनी ज़िंदगी अपने घर के आसपास जी रहे हो वैसी पूरी दुनिया है। ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये दुनिया है। सब प्लान बना रहे हैं, साइकिल से वर्ल्ड घूमना चाह रहे हैं, तो हम लोग वही ट्राई मार रहे हैं। अभी तीसरी कंट्री है मेरी। सितंबर के बाद अगर आप आते हैं तो अच्छा है, और नवम्बर से पहले पहले या फिर फरवरी के बाद और मई से पहले पहले, वो मौसम अच्छा होता है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी। काफ़ी लोग हैं जो यूरोप से आते हैं साइकिल चलाने के लिए। यहाँ पे सबसे ख़तरनाक रोड हैं, कुछ हमने पार कर लिए हैं, कुछ रह रहे हैं, बाकी आज सिटी घूमने जा रहे हैं। सिटी में क्या क्या मिलेगा आपको दिखाएंगे। ये रास्ता दिखा दीजिए कितना नीचे से। और सबसे बुरी बात क्या है, यहाँ पे स्टॉर्म चल रहा होता है हमेशा, धूल मिट्टी और बहुत तेज़ हवा चल रही होती है। तो हम रात को एक गाँव में रुकने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ हमारा कुत्तों ने स्वागत कर दिया और लोग ऐसे डर गए, मतलब आदमी से इतना डरा हुआ है। नेता अपनी फ़ोटो लगाने लगा, समझो वहाँ पे तरक्की बहुत कम आएगी, जैसे कि यहाँ पर भी है। और हमारे दिल्ली में मैं नाम तो बताऊंगा नहीं, कुछ तो नेता अपने जन्मदिन ही भूल जाते हैं, वो पोस्टर लगे होते हैं हर गली मोहल्ले में। खैर ये लोग इतने तो नहीं गिरे हुए हैं, लेकिन कुछ निशानियाँ अपने धर्म के हिसाब से इन्होंने सामने लगाई हुई हैं। इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के बाहर नेताजी ने अपनी फ़ोटो लगाई हुई है बड़ी सी, और जैसे कि मैं पीछे बता रहा था कुछ सूरज चांद को भी बांट लेते हैं धर्म के हिसाब से, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शायद। सूरज चांद नीला हरा कलर भी बटे हुए हैं। इस देश में भी हमारे जैसे करप्शन इतना ज़्यादा है कि सामने पहाड़ी है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग धूल मिट्टी इतना उड़ती है कि आपको पहाड़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, यहाँ का $160 का वीज़ा मिला है, जो कि नेट पे बहुत ही सस्ता दिखाया हुआ है, लेकिन जब आप लेने जाओगे तो सीधा आपसे $160 मांग लेंगे। इसको करप्शन बोलते हैं। जहाँ लोग फ़ोटो दिखाने लगे नेता अपनी, समझ लो वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होगा। वो सिर्फ फ़ोटो से लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, ना कि काम करके किसी का दिल जीतना चाहते हैं। बहुत बुराइयाँ कर ली मैंने, आगे चलते हैं। हाउ यू मेक दिस स्टमक फिट मैन, हाउ व्हाट यू ईट, आर यू डूइंग जिम? We eat everything, but I haven't got it. When you grow old, you will get fat like this. नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने स्टॉल दबाया हुआ है।
दिखा सकता हूँ सर। में आप अपनी यहाँ से जान है और सामने ट्रॉली है जो आपको बिल्कुल वहाँ लास्ट तक लेके जाएंगी। थोड़ा सा हिल है, सामने आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं, स्विमिंग पूल बना हुआ है काफ़ी बड़ा सा, इसमें भी ट्राई मारते हैं। ये शहर है, एक सिर्फ चीज़ ख़राब है कि हम रात को आए हैं तो ये जो धूल मिट्टी आपको दिखाई दे रही है ये स्टॉर्म चलता रहता है। दिन में हम ट्रेवलिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तो सिटी है, यहाँ तो फिर भी कर लेंगे, कहीं पेड़ पूड़ लगे हुए हैं तो आप थोड़ी देर कहीं पे रुक सकते हैं, लेकिन हाईवे पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहाने की जगह मिल गई है, मेरी सबसे ज़्यादा कमजोरी पीछे पूल था लेकिन उसमें नहीं गए, अच्छा किया। यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं। वाह, हमें जाने का ये फायदा है कि भाई शाहरुख खान को जानते हैं, शाहरुख, सलमान खान, मिथुन चक्रवर्ती सॉन्ग, आजा आजा आजा, जिमी जिमी जिमी, अमिताभ बच्चन, ये इन देशों का ये फायदा है कि आपको खुद ही पहचान लेंगे इंडियन। और हम लोग अभी जाते हैं स्विमिंग करने, भाई सुनील शेट्टी और अपना कौन सा है, अक्षय कुमार, लगता है इनका भी दिल टूटा हुआ। ये है रसिया की नदियाँ, यहाँ पे कोई पे भी नहा सकता है। उधर रोड चल रहा है और इधर हम लोग नहा रहे हैं। अब मैं कैमरे को रख दूं उधर, कई बार ये गीला होने के बाद जो है वो परेशान करता है। कल शाम को जितनी धूल मिट्टी चढ़ी थी सब उतार दिए पानी में, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा इसके पीछे पीछे जितना भी है सारा धूल मिट्टी उड़ रहा है। मैं दूसरी तीसरी बार बता, कुछ भी भीड़ थी यहाँ पे तो मैंने सोचा एक आइसक्रीम ही ले लीजिए, सामने बैठ के खा भी सकते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ये तीन तरीके की आइसक्रीम है इनके पास। हाउ मच इज दिस, दिस फॉर मी 15 5 हेलो कौन के देता है15 की दी है। राजा बाबू काफी महंगी आइसक्रीम खा रहे हैं। खाइए सर, मैग्नम खाइए, मतलब एक प्लास्टिक भी खाएंगे और एक ये भी खाएंगे, कौन भी है, कितना सारा पैसा खर्चा हो गया। लेकिन इंडिया से महंगी है अपनी आइसक्रीमियाँ, से यहाँ दूध भी तो नहीं मिलता ना आराम से। और इस शहर में लेडीज ज़्यादा हैं, जेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कुछ हिंदुस्तानी अपना लक यहाँ पे आके आजमा सकते हैं। आपको चारों तरफ लेडीज नज़र आएंगी। क्योंकि इनके जो मर्द हैं वो बाहर काम करने गए हुए हैं विदेश में, यूरोप में, तो ये लोग अकेले ही रहते हैं। ये भाई जानता है कि इंडियन है, पीछे आंटी जी भी हमसे बात करने जा रही हैं। सेम सेम स्पीक, आई एम वन मंथ
your job salary. ये भाई रस्सी इनका हाथ है देखो, ये एक और बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं भी, बच्चों का तो Your name? What is your name? Wasim Akram. Wasim Akram? What is your name? Rohit Chaudhary. रेड लाइट है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत रुका हुआ हूँ, 40 सेकंड की मेरी लाइट है। सिटी थोड़ी सी सुंदर है, अदरवाइज हाईवे पे आए हैं तो बिल्कुल ही बेकार था, ऐसे डरावना वाला रास्ता था, लेकिन सिटी ठीक ठाक है। और अगर आप किलोमीटर ना पाएंगे श्रीनगर जम्मू कश्मीर से तो मुश्किल से 600-700 किलोमीटर ही दूर है, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ शब्द हमारे जैसे हैं। न्यूजीलैंड में देखा है तो यहाँ पे भी आप पानी पी सकते हैं ऐसे करके। पहले मुझे एक सेंटर एशिया की खासियत है कि मार्केटें बड़ी 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 मिलेंगी, और ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी बाजार है, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी भी है यहाँ पे एक। और यहाँ पे एक नेताजी ने अपना फोटो भी लगाया हुआ है, ये हर जगह चमके हुए हैं, ये हमारे जैसे दिल्ली के एक उनका नाम नहीं ले सकता मैं, वैसे इन्होंने भी अपनी फ़ोटो हर जगह छापी हुई है। और यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा मिलेंगी, जेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिन इंडियनों की शादी नहीं हुई हो यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। एक उधर है और लेडीज ही लेडीज़ नज़र आएंगी आपको भर भर के। एक बार फिर बता दूँ, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, जिनको लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, वो यहाँ कोशिश कर सकते हैं, देश भी सस्ता है ये, तो आप अपनी किस्मत यहाँ आके आजमा सकते हैं। ये पकड़िए 10 सोमनी का दस, क्या कहते हैं इसे, बैरी ले रहे हैं मैडम, 10 सोमनी में ओनली दिस 10 सोमनी, 10 सोमनी पन्नी है। गुड, थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी सारा वजन दे दिया भाई, तो जाने की है, इतनी सारी रोटी मैदा खा रहे हैं। ये हमारे नान का जैसा है ये वाला जो तूने खाया था, गर्मा गर्म है तो खुशबू आ रही है गर्मा गर्म। तुर्की में काम करते हैं तो ऐसे यहाँ पे सारे ही लोग जो है वो अकेले ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इज वर्किंग मोर देन मैन, लेडीज वर्किंग मोर मैन नो वर्क एंड जॉब में बॉस में नो बॉस मशरूत के वो यही Вот маршрутка, вот маршрутка. 41 идет. Камин, 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 камин. Я тяжело я дай. हर तरफ महिलाओं का बोलबाला है। मैं अभी ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं ये खा रहा हूं। दिखा सकता हूं आपको। चारों तरफ लेडीज आपको नजर आएंगी काम करते हुए, खरीदारी करते हुए।
खतरनाक चाकू है। ये 1.5 लीटर का पानी हम पी के पूरा बिल्कुल ठंडा था। ठंडा पानी कुछ अलग ही टेस्ट देता है। और बाहर की मार्केट कुछ ऐसी है, इनको बस स्टैंड का पता करना था हमने, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे। शक्ति कपूर का डायलॉग है, मेरे कन्ने चाकू है ये, लग जाएगा। और ये सच में ही लग जाएगा, ऐसा है ये, एक ही बारी में काम करेगा। तो यहाँ पे जो सींग निकल जाते हैं उनके, उनको मॉडिफाई करके ऐसे चाकू बनाए। एनी स्पाइसी? ओके। स्पाइसी? स्पाइसी बीफ, बीफ स्पाइसी। मिर्ची? नो 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 स्पाइस, नो स्पाइस। अलग से अच्छा, ये चीज़ें फ्री वाली हैं, ये जो हमारे इंडिया में जो मिलते हैं ना, चटनी ले लो, चटनी प्याज वो सब है। यस यस, ये हमारा करीब 75 सोमनी का है, ये दोनों का मिलाकर। तो मेरा 17 सोमनी का है। इनका भी है और मेरा भी। नहीं, मेरा 17 सोमनी का है। महंगा बता रहे हो? मैंने 75 बताया। इसमें ऐसा क्या दे दिया तुमने? कई घंटे मार्केट में घूमने के बाद हमारी साइकिल हमको वापस मिल गई है। यूरोप होता तो अभी तक चोरी हो जाती। यहाँ पे शोर शराबा जो है हमारे इंडिया जैसे ही हो रहा होता है, पैसे के लिए कि इतना सामने जाती हूँ। नौ में देखो जो टांगे हैं वो आपके लगेंगी, ये वाला हिस्सा जो है वो छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जाएंगे लोग गर्मी में मरते हुए। ये सारी टैक्सियाँ इसी टाइप से मिलेंगी जो एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं। मैं समझा पाया हूँ कि आपको ये पूरे सेंट्रल एशिया में ऐसे ही मिलेगा आपको। टैक्सी का काम ज़्यादा मिलेगा, बस जाती है सुबह 7 बजे करीब, किसी ने बताया था 8, आप बता रहे कोई 7। योर नेम? नाम? नेम? मासूम। ओके, ये मासूम जो है हमें उधर से लेके आए और इधर लेके आए और सबको बता रहा है कि भाई इनको यहाँ पे जाना है और लड़ने उड़ने को तैयार है। छोटी सी उम्र में खुजान खुजान राव गुस्सा मेरी। हम लोग टैक्सी या बस ढूंढ रहे हैं जाने के लिए, तो बच्चे हेल्प कर रहे हैं हमारी। और यस एंड दिस बस पकड़ेंगे तो $7 की पड़ने वाली है जो सामने बस है। और साइकिल के साथ हमसे 3300 रुपये मांग रहा था वो, जबकि यहाँ पे आपका 700 रुपये के आसपास काम चल जाएगा। वाले काम भी औरतों को करने पड़ते हैं क्योंकि आदमी है ही नहीं इनके यहाँ पे। इतनी अच्छी ड्रेस पहनाई हुई है, लेकिन जो कट्टर लोग हैं वहाँ पे आपको ये वाली ड्रेस नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे एक बात आपको कॉमन मिलेगी, लेडीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी, क्योंकि इनके जो धर्म के पति हैं वो सारे लोग दुबई, तुर्की या यूरोप में काम कर रहे हैं। तो वो लोग बच्चे देखे इनको, और ये लोग जो हैं आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे, लेकिन आदमी लोग आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो सारे लोग काम करने आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। तो कुछ इंडियन यूट्यूब पे ढूंढ रहे होते हैं जिनकी शादी इंडिया में नहीं हो रखी है, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो आपको इस वीडियो में काफ़ी ऐसे नज़र आएंगे जो सिर्फ लेडीज लेडीज हैं।
जिधर भी देखेंगे आप लेडीज का राज है, यानी कि एक लेडीज और आठ, एक एक लेडीज कह रहा हूँ मैं, आठ लेडीज और एक जेंट्स कहीं कहीं नजर आएंगे आपको। अदरवाइज लेडीज लेटर में कुछ और था, अभी रात को कुछ और है। ये ट्रॉली है जो ग्रीन और रेड कलर नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत हिलते 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 हिलते, और फिर से दिखाऊंगा। दिन में हम लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे, रात को लाइटिंग कर रखी है क्योंकि बिल्कुल सिटी सेंटर के ऊपर है।